नाजीन अस्सलाम वालेकुम, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर उलझन बरकरार, नागजीर हालात में फैसला लेने का वजीर आजम ने दिया इशारा। इस्तीफे की खबरों को दिनेश त्रिवेदी ने किया मुस्तरद, कहा वजीर आजम और ममता बनर्जी के कहने पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ, इंतखाबी वादों को पूरा करने का आजम, आजम खान भी काबीना में शामिल। रियासती असेंबली में 6 वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर शोरगुल, कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी। हुकूमत की हठधर्मी से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर, अपोजिशन कायदीन का इल्जाम। मई में मुनक्किद चुदनी डीएससी इम्तिहान मुलतवी, जून में टेट और अगस्त में डीएससी इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान। शाम में अवामी इनकलाब का 1 साल मुकम्मल, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी, कोफी अनान सलामती कौंसिल में कल पेश करेंगे रिपोर्ट। और 16 अफगान शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार अमरीकी फौजी को अफगानिस्तान से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। रेलवे बजट पेश होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की जानिब से वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी की बरतरफी के बढ़ते मुतालबे पर कांग्रेस शदीद उलझन का शिकार है। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट के पास मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सूरत हाल नागजीर शिकल अख्तियार करती है तो हुकूमत दिनेश त्रिवेदी को हटाने पर गौर कर सकती है। उधर लोकसभा में मरकजी वजीर फाइनांस प्रणब मुखर्जी ने इस बात की तौसीकी कि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा नहीं दिया है, ताहम उन्होंने कहा कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस की सरबरा ममता बनर्जी की जानिब से मकतूब मौसूल हुआ था। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सिलसिले में कब और क्या फैसला लिया जाता है इससे ऐवान को वाकिफ करवाया जाएगा। अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज की जानिब से आज पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों ने हुकूमत से यह जानने की कोशिश की कि आखिर दिनेश त्रिवेदी है या उन्हें हटा दिया गया है। अपोजिशन जमातों ने वक्फे सवालात को मुलतवी करते हुए हुकूमत से दिनेश त्रिवेदी मामले पर मुबाहस का मुतालबा किया। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस ने यूपी हुकूमत को किसी भी तरह के खतरे से इंकार कर दिया है और कहा है कि तृणमूल कांग्रेस यूपी हुकूमत को अपनी ताई जारी रखेगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस दिनेश त्रिवेदी को हटाने के हक में है। उधर अपनी पार्टी की जानिब से मुस्तफी हो जाने का मुतालबे का सामना कर रहे मरकजी वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी ने कहा है कि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी सरबरा ममता बनर्जी उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहते हैं तो वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि अभी तक किसी ने उनसे इस्तीफा तलब नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बजट को मंजूर कराना उनकी जिम्मेदारी है जिसे वो अव्वलीन फर्ज समझते हैं, और जैसे ही वजीर आजम उनसे इस्तीफा देने के लिए कहेंगे मैं उनकी हिदायत की पाबंदी करूंगा। वाजह है कि दिनेश त्रिवेदी पर इस्तीफे के बढ़ते हुए दबाव के दौरान ये इशारे मिले हैं कि तृणमूल कांग्रेस के मुकुल रॉय को वजीर रेलवे बनाया जा सकता है। To ensure the budget which I have presented on behalf of the government to get it passed in the parliament, and I will not run away from my duty, but at the same time, the moment my leader Mamata Banerjee or the honorable prime minister asks for my resignation, I will do so. मरकजी वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे से मुतालिक जारी कयास आरायों पर मरकजी वजीर अंबिका सोनी ने मोहतात रद्दअमल का इजहार किया है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात करते हुए अंबिका सोनी ने कहा कि मखलूत हुकूमत में इस तरह की बातें होती रहती हैं। अंबिका सोनी ने कहा कि वजीर आजम और प्रणब मुखर्जी इस मसले पर नजर रखे हुए हैं और इस मसले को हल भी कर लिया जाएगा।
यूपीए हुकूमत में ऑल इज वेल नहीं है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मखलूत हुकूमत चलाने के हुनर से वाकिफ नहीं है। वेंकैया नायडू का कहना था कि कांग्रेस के रवैये की वजह से हलीफ जमातों में बेचैनी पाई जाती है और कांग्रेस हलीफ जमातों के एतमाद से महरूम हो चुकी है। वेंकैया नायडू ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके और समाजवादी पार्टी वक्फे से कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते रहे या फिर मुख्तलिफ मसाइल पर धमकाते भी रहे। That all is not well within this government. All is not well, but ruling party members are going to the well. That is a different matter. एक दिन टीएमसी जाते, एक दिन आरजेडी जाते, एक दिन डीएमके जाते, एक दिन समाजवादी जाते, एक दिन जो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब लोग बीच में बाय रोटेशन वेल में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर अखिलेश सिंह यादव ने अवाम को इस बात का यकीन दिलाया है कि समाजवादी पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेने के बाद मीडिया से चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पहली बार बात करते हुए अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि आज का दिन उत्तर प्रदेश की आजादी के दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार की फराहमी उनकी पहली तरजीह रहेगी और गुज़िश्ता हुकूमत में की गई बदनवानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उत्तर प्रदेश को बदनवानियों से पाक बनाया जाएगा। इससे पहले अखिलेश सिंह यादव ने आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लिया। 38 साल अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे कम उम्र चीफ मिनिस्टर हैं और वो उत्तर प्रदेश के 33वें चीफ मिनिस्टर हैं। अखिलेश सिंह यादव को गवर्नर बीएल जोशी ने हलफ दिलाया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव के अलावा दीगर अफराद खानदान और पार्टी के अहम कायदीन मौजूद थे। अखिलेश सिंह यादव के साथ आज 47 वज़रा ने भी हलफ लिया, जिनमें 19 काबिनी और 28 ममलिकती दर्जे के वजीर हैं। अखिलेश सिंह यादव ने अपनी तकरीफ हलफ बरदारी में मुल्क के अहम सियासी कायदीन को शिरकत की दावत दी थी। काबिनी वज़रा में आजम खां, शिवपाल सिंह यादव, अहमद हसन, विकार अहमद, राजा महेंद्र सिंह, अंबिका चौधरी और आनंद सिंह काबिल जिक्र हैं। पूरा का पूरा लागू करने की लिए समाजवादी पार्टी काम करेगी। आने वाले समय में घोषणा पत्र की एक एक बात जनता के बीच में रखी जाएगी। अब लोकायुक्त के बाद बहुत सारे लोगों की तो जांच अपने आप चल रही है और बहुत कई लोगों पे तो अपने आप चल रही है। अब आइडेंटिफाई तो आप पे भी है, हमारे पास भी सूचना मिलेगी। अब बैठेंगे तब पता करेंगे किस विभाग में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो चीजें सामने आई है, अभी तो विभाग ही बैठना है, देखना है, जानकारी करना है। मरकजी वजीर खजाना प्रणब मुखर्जी ने आज पार्लियामेंट में माशी सर्वे पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर दी। प्रणब मुखर्जी ने रिपोर्ट में इस तवक्के का इजहार किया कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले माली साल के आगाज पर शरह तरक्की का निशाना 7.6% हो सकता है। उन्होंने रिपोर्ट में यह भी बताया कि मार्च के आखिर तक 6.5-7% तक हो सकता है। प्रणब मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का इशारा दिया कि अफरातजर में इजाफा हो सकता है, लेकिन साल के आखिर तक उसमें कमी भी आ सकती है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गजाई अजनास की पैदावार 250.42 मिलियन टन तक पहुंच सकती है और चावल की पैदावार में भी इजाफा होने का इम्कान है। जरिए शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी होने का इम्कान बताया गया है। माई सबमिशन इज यस, प्राइम मिनिस्टर हैज रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द तृणमूल कांग्रेस चेयरपर्सन ममता बनर्जी। इट इज अंडर द एक्टिव कंसिडरेशन of the prime minister. I already informed as and when the decision will be taken, how it will be communicated. अब देखते हैं इलाकाई खबरें। रियासती असम्बली में 6 वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर आज भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। बगैर कोई काम हुए आज भी कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती असम्बली के बजट इजलास के दौरान जुमेरात को भी ऐवान की कार्रवाई को बगैर कोई काम हुए दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 रियासती वज़रा को दी गई नोटिस के मामले पर अपोजिशन अरकान ने 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए ऐवान में जबरदस्त शोरगुल और नारेबाजी की।
अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज की वजह से स्पीकर ने इजलास को 3 बार मुलतवी किया, लेकिन अपोजिशन का एहतजाज मुसलसल जारी रहा, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इससे पहले जुमेरात को जब असेंबली इजलास की कार्रवाई का आगाज हुआ तो स्पीकर एन मनोहर ने अरकान से कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि आज इजलास की कार्रवाई पुरमन तौर पर जारी रहेगी, लेकिन जब स्पीकर ने अपोजिशन की तहरीकात इल्तवा को नामंजूर कर दिया तो तेलुगुदेशम अरकान ने स्पीकर के पोडियम तक जाकर 6 वज़रा को बरतरफ करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो वजीर उमूर मुकन्ना श्रीधर बाबू ने इजलास की कार्रवाई चलाने के लिए अपोजिशन से ताउन की अपील की, लेकिन अपोजिशन के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई। अपोजिशन के जारी एहतजाज के दौरान स्पीकर ने तमाम सवालात को मुलतवी कर दिया और वजीर इमारात और शवारे और छोटी आपाशी की जानिब से मुतालबात जर को पेश करने के बाद इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास फिर शुरू हुआ तो स्पीकर ने अपोजिशन से वक्फे सिफर चलाने के लिए ताउन की दरख्वास्त की, लेकिन तेलुगुदेशम अरकान ने शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास को फिर आधे घंटे के लिए मुलतवी करते हुए तमाम फ्लोर लीडर से अपने चैंबर में आने की दरख्वास्त की। इजलास जब चौथी बार शुरू हुआ तो वजीर उमूर मुकन्ना श्रीधर बाबू ने कहा कि जिन 26 जीओस को अपोजिशन ऐवान में पेश करने का मुतालबा कर रही है वो हुकूमत की वेबसाइट पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी करने पर इस तरह की सियासत मुनासिब नहीं है, क्योंकि नोटिस किसे जारी की जाएगी ये अभी वाजे भी नहीं हुआ है। इसके बाद डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने ऐवान में अपोजिशन के शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत की हठधर्मी से ऐवान का विखार मुतासिर हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए लोकसत्ता पार्टी के रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही। जयप्रकाश नारायण ने अपोजिशन की जानिब से मुतनाजा 26 जीओस को ऐवान में पेश करने के मुतालबे पर हुकूमत की जानिब से वेबसाइट पर उसका मुशाहदा करने के मशवरे को मुसका खैज करार दिया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि वेबसाइट पर सिर्फ 5 जीओस ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को जवाबदेह होना चाहिए और ऐवान में हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार नहीं है तो ये ऐवान की तौहीन है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हुकूमत खौफजदा हो चुकी है, क्योंकि अगर 26 जीओस को ऐवान में पेश किया गया तो हुकूमत की कश्ती डूब सकती है। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली डी उमा महेश्वर ने कहा कि रियासत के अरकान पार्लियामेंट रेलवे बजट में रियासत को मुनासिब हिस्सा दिलाने में नाकाम रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उमा महेश्वर ने कहा कि मरकजी रेलवे बजट में रियासत के साथ नाइंसाफी पर ममलिकती वजीर रेलवे भी खामोश तमाशाई बने रहे। डी उमा ने इंटरमीडिएट इम्तिहान के एक पर्चे में निसाब से हटकर सवालात को शामिल करने पर वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी से वजाहत तलब की। उधर सीबीआई के रुकन असेंबली सांबा शिवा राव ने कहा कि हुकूमत असेंबली की कार्रवाई चलाने के लिए ताउन नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सांबा शिवा राव ने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से अपोजिशन के मुतालबे पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने से गुरेज कर रही है और हीले बहानों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर जहां असेंबली चलाने की कोशिश कर रहे हैं वहीं हुकूमत अपनी हठधर्मी का मजाहरा कर रही है। सांबा शिवा राव ने कहा कि हुकूमत को इतने खौफ में काम करने की जरूरत नहीं है, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देकर अवाम के सामने जाना चाहिए क्योंकि अवाम खुद इसका सही फैसला कर सकते हैं। उधर तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली पी केशव ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस का सामना करने वाले 6 वज़रा को गवाह बन जाने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए पी केशव ने कहा कि अगर 6 वज़रा सीबीआई के सामने 26 जीओ से मुतालिक हकायक की तफसीलात का इजहार करते हैं तो उनकी सजा में कमी हो सकती है, वरना मुस्तकबिल में चंचलगोड़ा जेल ही उनका ठिकाना रहेगा। पी केशव ने कहा कि हुकूमत जीओ की तफसीलात ऐवान में इसलिए पेश नहीं कर रही है क्योंकि उससे हुकूमत के गिरने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस हठधर्म रवैये से ऐवान का विकार मुतासिर हो रहा है। मई में मुनाकिद होने वाले डीएससी इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया है। रियासती वजीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने आज चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से डीएससी इम्तिहान के निकात से मुतालिक तबादला ख्याल किया। पार्था सारथी ने बताया कि जून में टेट इम्तिहान मुनाकिद किया जाएगा और अगस्त में डीएससी इम्तिहान मुनाकिद होगा। रियासती वजीर ने बताया कि जल्द ही टेट और डीएससी तहरीरी इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया जाएगा।
रियासती वजीर जाना रेड्डी ने 2014 के इंतखाबात से मुतालिक उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का मीडिया पर इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि 2014 के इंतखाबात में कांग्रेस फिर से एक चमत्कार के जरिए इख्तदार हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज से पेश करते हुए उसे मुतनाज़ा बना दिया है। जाना रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 के इंतखाबात में फिर इख्तदार हासिल करेगी। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने वरंगल के स्टेशन घनपुर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि रियासत में बरसर इख्तदार कांग्रेस हुकूमत रियासती अवाम के लिए मनहूस बन चुकी है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज रियासत में समाज का हर तबका हुकूमत की कारकर्दगी से परेशान है। उन्होंने कहा कि किसान आज कई मसाइल से दो चार हैं तो बुनकरों को भी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत सिर्फ बदनवानियों में मुलविस है। उन्होंने टीआरएस पर भी तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस सिर्फ नोट और वोट के एजेंडे पर अमल करते हुए तेलंगाना मसले का इस्तेहसाल कर रही है। ज़िमनी इंतखाबात के हलके कोर में पुलिस ने तेलुगुदेशम के साबिक कारपोरेटर ओम प्रकाश के घर पर धावा करते हुए 1 करोड़ रुपए की रकम को जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ओम प्रकाश की जानिब से इस रकम को कोवूर में इंतखाब के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला था। पुलिस इस सिलसिले में ओम प्रकाश से पूछताछ कर रही है। अब नजर डालते हैं बैनुल अक्वामी खबरों पर। शाम में सदर बशर अल-असद के खिलाफ शुरू हुई तहरीक का आज 1 साल पूरा हो गया है। शामी अपोजिशन के मुताबिक दुर्रे में हुकूमती कार्रवाइयां जारी हैं और 100 से ज्यादा टैंक शहर में मौजूद हैं। शाम की दारुलहुकूमत दमिश्क के वस्ती इलाकों में जोरदार धमाकों की इत्तला भी मिली हैं। शामी इनकलाबी कौंसिल की जानिब से मौसूल इत्तला के मुताबिक आज सुबह दमिश्क के कल्ब में जोबर और अलखाबून कॉलोनियों में जोरदार धमाकों और सख्त फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी हैं, जबकि बाबे मुसल्ला में बर्जा के मुकाम पर बारूद से भरी कार में धमाका हुआ है। तहम इसमें कोई जानी नुकसान की तफसीलात नहीं मालूम हो पाई। इंसानी हकूक की राबता कमेटियों के मुताबिक चारशंबे को इदलिब शहर में लारोस के मुकाम पर बशर अल-असद की हामी फोर्सेस के हाथों दर्जन अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। चारशंबे को तकरीबन 80 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। अदलिब शहर में अब सरकारी फौज का मुकम्मल कंट्रोल बताया गया है। इस दौरान शाम के बहरान की यकसोई के लिए मुकर्रर किए गए खसूसी मंदूब कोफी अन्नान जुम्मे को सलामती कौंसिल में अपनी रिपोर्ट पेश करने वाले हैं। उधर सऊदी अरब ने दमिश्क में अपना सफारतखाना बंद कर दिया है और तमाम सफारती अमले को वापस बुला लिया गया है। शाम की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इटली और हॉलैंड ने भी अपने सफारतखाने बंद करने का ऐलान किया है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए सफारती दबाव डालने का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। बराक ओबामा ने वाशिंगटन में बरतानी वजीर आजम डेविड कैमरून के साथ हुई मुलाकात के बाद ये बात कही। बराक ओबामा ने कहा कि अमेरिका और बरतानिया ये समझते हैं कि ईरान पर सफारती कोशिशों के तहत दबाव डालने के लिए अभी भी वक्त है और ईरान को इस बात की तरगीब दी जा सकती है कि वह अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम के बायस मुसलसल दबाव का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान को जौहरी हथियार के हसूल से बाज रखने के लिए पुरअज़्म है और अब भी वक्त है कि इस मसले का सफारती हल तलाश किया जाए। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने शाम के हालात पर तबसरा करते हुए कहा कि शाम में बैनुल अक़वामी फौज की मदाखलत पर उजलत में फैसला नहीं किया जा सकता क्योंकि फौजी मदाखलत के फैसले से शाम में खाना जंगी का खदशा पैदा हो जाएगा और आम शहरियों की हलाकतों में भी इजाफा हो सकता है।
अमरीकी वजीर दिफा लियोन पुनेटा की अफगानिस्तान में बरतानवी मिलिट्री एयरफील्ड पर आमद के मौके पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पेंटागन के तर्जुमान जॉर्ज लिटिल ने बताया कि जब अमरीकी वजीर दिफा का तैयारा हेलमंद में बरतानवी फौज के जेर इंतजाम एयरफील्ड पर लैंड करने वाला था कि इस दौरान एक मुकामी शख्स ने चोरी किए गए ट्रक को रनवे पर लाने की कोशिश की। तहम रनवे पर मौजूद एक नाटो के अहदेदार ने जैसे ही ट्रक ड्राइवर को आग में जलता देखा उसे बाहर निकाल लिया, जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और उसे पूछताछ भी की जा रही है। अफगान हुकाम इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ट्रक ड्राइवर खुदकुश हमलावर था या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ। अमरीकी वजीर दिफा लियोन पुनेटा जब फौजी अड्डे पर खिताब कर रहे थे उस वक्त इत्तेहादी फौजियों को अपनी बंदूकें बाहर रखकर हॉल के अंदर आने की इजाज़त दी गई थी। पेंटागन के तर्जुमान ने कहा है कि 16 अफगान शहरियों को खत्म करने वाले अमरीकी फौजी को अफगानिस्तान से दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है। अल जजीरा ने खबर दी है कि मुश्तबा अमरीकी फौजी को कुवैत ले जाया गया है। अमरीकी बहरिया के कप्तान कैरबी जॉन ने बताया कि अमरीकी फौजी को अफगानिस्तान के बाहर ले जाने का फैसला अफगानिस्तान में अमरीका और अफगान फौजियों के कमांडर जनरल जॉन्स एलन ने किया। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में अवाम और अफगानिस्तान के सियासी नुमाइंदे अफगान चेहरों के खातिल अमरीकी फौजी पर अफगानिस्तान में मुकदमा चलाने का मुतालबा कर रहे थे, जबकि अमरीकी हुकाम ने अफगान अवाम और सियासी नुमाइंदों का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा कि इस वाक़े की तहकीकात की जाएगी और कसूर साबित होने पर सख्त सजा दी जाएगी। पाकिस्तान के सूबे पिशावर के इलाके पुश्ताखुरा चौक में हुए खुदकुश बम धमाके में मुतालिका सुप्रिटेंडेंट पुलिस कलाम खां हलाक हो गए हैं। पिशावर से मिली खबरों के मुताबिक कलाम खां अपनी गाड़ी में दफ्तर जा रहे थे कि खुदकुश हमलावर ने उनकी गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया। हमले में कलाम खां बरसरे मौका हलाक हो गए, जबकि उनके गार्ड्स और ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पुलिस को मुकामी वाक़े से खुदकुश बमबरदार की लाश भी दस्तियाब हुई है। साल 2022 में खतर में मुनक्किद होने वाले फीफा के आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबलों के मौके पर स्टेडियम में शराब की सरबराही की इजाज़त से मुतालिक तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। हालांकि इस सिलसिले में खतर के एक आला सरकारी अहदेदार ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि वह इस सहूलत को ज़रूरी नहीं समझते। आलमी कप फुटबॉल मुकाबलों की सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने वाली कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हसन अलजादी ने बरतानवी खबरसा इदारे राइटर्स को बताया कि फुटबॉल आलमी कप मुकाबलों के दौरान शराब नोशी की इजाज़त रहेगी। तहम इस सिलसिले में कवायद और हदूद मुतयन करने के लिए फीफा के साथ मुजाकरात भी जारी हैं। वाज़ह है कि इस वक्त खलीजी मुल्क खतर में शराब की फरोख्त या इस्तेमाल 5 स्टार होटल्स तक ही महदूद है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर रेलवे दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे पर उलझन बरकरार, नागजीर हालात में फैसला लेने का वजीर आजम ने दिया इशारा। इस्तीफे की खबरों को दिनेश त्रिवेदी ने किया मुस्तरद, कहा वजीर आजम और ममता बनर्जी के कहने पर इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अखिलेश सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से लिया हलफ, इंतखाबी वादों को पूरा करने का आजम, आजम खान भी काबीना में शामिल। रियासती असेंबली में 6 वज़रा की बरतरफी के मुतालबे पर शोरगुल, कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए मुलतवी। हुकूमत की हठधर्मी से ऐवान की कार्रवाई मुतासिर, अपोजिशन कायदीन का इल्जाम। मई में मुनक्किद शुदनी डीएससी इम्तिहान मुलतवी, जून में टेट और अगस्त में डीएससी इम्तिहान मुनक्किद करने का ऐलान। शाम में अवामी इनकलाब का 1 साल मुकम्मल, सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी, कोफी अनान सलामती कौंसिल में कल पेश करेंगे रिपोर्ट। और 16 अफगान शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार अमरीकी फौजी को अफगानिस्तान से नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।